गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी में यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का अगला टॉपिक देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन प्रोडक्शन, किस प्रकार से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, किया भी जाता है वैक्सीन का प्रोडक्शन। तो हम ये इस वीडियो में ये सीखेंगे कि वैक्सीन क्या होती है और इसका प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए, वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन को हम लोग हिंदी में टीका कहते हैं। टीका क्या होता है? जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाकर टीका एक ऐसी मेडिसिन्स होती है जिसे कि इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी के अंदर, और वो बॉडी के अंदर जाकर के उस किसी भी विशेष रोग के प्रति एंटीबॉडी बनाती है और प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। तो देखिए, यहाँ पे वैक्सीन वास्तव में मृत अथवा रूपांतरित सूक्ष्म जीव होते हैं। वैक्सीन क्या होती है? मृत अथवा रूपांतरित सूक्ष्म जीव होते हैं। इस वैक्सीन के अंदर होती क्या है? मृत अथवा रूपांतरित सूक्ष्म जीव होते हैं। अब देखें, जो जंतुओं में प्रविष्ट कराए जाने पर एंटीबॉडीज उत्पन्न करके कुछ विशेष बैक्टीरिया या वायरस से होने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, मतलब समझिएगा कि वैक्सीन को अगर जंतुओं के बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा तो वो बॉडी के अंदर जाकर एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं, जिससे कि कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस से उत्पन्न होने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम क्या कहेंगे? वैक्सीन कहेंगे। वैक्सीन मतलब टीका। देखिए, सबसे पहले एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने काउपॉक्स वैक्सीन ज्ञात किया। किसका? काउपॉक्स की वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने। या तो ये बोला जाए कि सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई, तो आप बताएंगे एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वैक्सीन क्या होती है और वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो देखिए, बायोटेक की सहायता से हम लोग वैक्सीन को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से कई वैक्सीन प्राप्त की गई हैं। किस प्रकार से प्राप्त की गई हैं, इसकी विधि क्या है? इस विधि में रोगाणु जैसे हेपेटाइटिस बी उत्पन्न करने वाले जीन को पृथक करके हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई भी रोग है, रोग को उत्पन्न करने वाला रोगाणु है, तो वो रोगाणु उस रोग को किस जीन से उत्पन्न कर रहा है, तो उस जीन को हम लोग पृथक कर लेते हैं, जीन को हम लोग आउटकम कर लेते हैं। उसके बाद उसे प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं। प्लाज्मिड, आप जब से क्लासेस चल रही हैं आप लोग जानते होंगे प्लाज्मिड क्या होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, उसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो जीन को निकाल करके, वांछित जीन को निकाल करके प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद क्या प्राप्त कर लिया जाता है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो नया, देखो हमने आपको बताया है कि अगर प्लाज्मिड इस प्रकार से गोलाकार होता है, इसमें से इस प्लाज्मिड को हम लोग ऐच्छिक स्थल से काट करके और ऐच्छिक जीन को इसमें लाकर जोड़ देते हैं, तो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है। और इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को प्राप्त करने के बाद इसको ईस्ट में प्रविष्ट करा दिया जाता है। किसमें? ईस्ट में। याद रखिएगा कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं? ईस्ट को। यानी कि प्लाज्मिड को निकाला गया, प्लाज्मिड को निकाल कर कहाँ प्रविष्ट करा दिया गया? ईस्ट के अंदर। अब ईस्ट को हम लोग कल्चर मीडियम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? कल्चर मीडियम में, जहाँ पे उस ईस्ट के लिए आवश्यक दशाएं पहले से होती हैं और सभी न्यूट्रिएंट उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को प्राप्त करने के बाद उसे ईस्ट के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है और उसका क्लोन बना लिया जाता है। ढेर सारी कॉपियाँ बना ली जाती हैं किसकी? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की। और ये जब क्लोन बनते रहते हैं तो उसी टाइम पर ढेर सारी एंटीबॉडीज बनती रहती हैं ईस्ट के बॉडी के अंदर। और उसी एंटीबॉडी है उसको हम लोग वैक्सीन के रूप में प्रतिवर्धित करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि बायोटेक की सहायता से प्राप्त वैक्सीन को द्वितीय पीढ़ी की वैक्सीन कहा जाता है। यानी कि अगर हम लोग बायोटेक की सहायता से क्या प्राप्त कर रहे हैं, वैक्सीन प्राप्त कर रहे हैं, तो इसे हम लोग सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन कहेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन
कौन सी वैक्सीन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पर हम देखें, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से प्राप्त वैक्सीन अधिक प्रभावी होती है, इफेक्टिव होती है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बायोटेक्नोलॉजी से जो वैक्सीन बनाई जाती है उसका कोई भी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है रोगों से लड़ने में। तो अब यहाँ पर हम देखें बायोटेक की सहायता से प्राप्त कुछ वैक्सीन कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर दो तीन वैक्सीन के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए साइटोमेगालोवायरस, ये एक वैक्सीन है। साइटोमेगालोवायरस एक वैक्सीन है जो कि संक्रमण से बचाव करती है। किसी प्रकार के संक्रमण से बचाव के लिए हम लोग साइटोमेगालोवायरस से बनी वैक्सीन का उपयोग करते हैं। अगला अगर देखें तो ये है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी आप जानते होंगे, हेपेटाइटिस बी के उपचार के लिए हम लोग हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाते हैं, जिसका प्रोडक्शन बायोटेक की सहायता से किया जाता है। हेपेटाइटिस बी के टीके का प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है। ये क्या करता है, ये सीरम हेपेटाइटिस बी से बचाव करता है। किससे? सीरम हेपेटाइटिस से बचाव करता है। अगला है रेबीज। रेबीज आप जानते हैं जो कि कुत्तों के लार में उपस्थित होता है रेबीज। तो रेबीज के लिए भी क्या है, वैक्सीन है। रेबीज के लिए भी क्या है, वैक्सीन है, जिसे हम लोग एंटी रेबीज कहेंगे। और ये किस लिए लगाया जाता है, ताकि हाइड्रोफोबिया ना हो। हाइड्रोफोबिया से बचाव के लिए रेबीज का वैक्सीन लगाया जाता है। तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, फोबिया का मतलब डर होता है। इसका मतलब है कि जब आपको क्या हो जाएगा, जब आपको रेबीज हो जाएगा तो आपको पानी से डर लगने लगेगा, यानी कि आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया याद रखिएगा, अगर पागल कुत्ता काट लेगा तो आपको कौन सा रोग होगा, हाइड्रोफोबिया। इसके बचाव के लिए हमें वैक्सीन लगवानी पड़ती है रेबीज की, इसे हम लोग एंटी रेबीज भी कहते हैं। अगला जो वैक्सीन है वो है हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस से जो वैक्सीन है वो हर्पीज से बचाव करती है। हर्पीज क्या होता है, एक सेक्सुअल एसटीडी है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। हर्पीज क्या है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इससे बचाव के लिए हर्पीज का टीका लगाया जाता है, जिसका प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने बनाया और वैक्सीन का बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से कैसे प्रोडक्शन किया जाता है और कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जिसका प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाए। बहुत ढेर सारी वैक्सीन्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको कुछ वैक्सीन्स के बारे में बताया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी का जो अदर यूज है एज लाइक जीन थेरेपी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।